लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया है और भारती के कैंडिडेट नरेश मस्के बम्पर वोटों से जीतकर इस बार फिर से इतिहास बनाए हैं। पूरे देश में मोदी की सरकार बनी है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इन सभी जीत और हार के सिनेरियो में बीजेपी का परफॉर्मेंस मुंबई में कैसा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय घाटे साहब। घाटे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप अपने परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर रहे हैं कि एक तरह से देखा तो जिलाध्यक्ष जो है संदीप नाइक, उनका कार्यकाल एक साल का पूरा हुआ और इसी दौरान जो है लोकसभा के चुनाव हुए, तो इस पूरे परफॉर्मेंस को आप आपके नजरिए से कैसे आप डिफाइन करेंगे? संदीप जी नाइक साहब को अध्यक्ष बने, जिलाध्यक्ष बने, एक साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है। इस कार्यकाल में पिछले 8 साल में जो पेंडिंग वर्क था उसको समेटना ये एक था, फिर बाद में दो अलग अलग प्रवाह इकट्ठा आए हुए थे। अब जो जब दो अलग प्रवाह इकट्ठा आ जाते हैं तो सबको मिला जुला के फिर चलना होता है, बट साथ ही साथ में परफॉर्मेंस भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से कमिटियां बननी, वार्ड लेवल तक, बूथ लेवल तक कमिटियां बननी, उसके लिए करीब करीब 2 से 3 महीने चले गए। कुछ लोगों का सजेशन था, वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद चुनाव का माहौल तैयार हो गया, पार्टी के तरफ से काफी सारे प्रोग्राम आ गए और उम्मीद से अपेक्षा से अच्छा परफॉर्मेंस संदीप जी के नेतृत्व में नवी मुंबई में मिल गया। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी हो गई, और सिर्फ एक ही चुनाव नहीं हुआ उनके अध्यक्षता में, हुआ 2 चुनाव हो गए। एक चुनाव था लोकसभा का, दूसरा कोकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का था। और अगर आप उनका काम का तरीका अगर देखेंगे कि सबको विश्वास रख के साथ में लेके काम करना, तो उस हिसाब से रिजल्ट में सामने वो परावर्तित हुआ आपको दिखेगा कि रिजल्ट काफी अच्छा मिला हुआ है। और लोगों को पता है जो राजनीति में है कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पे अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, क्योंकि हमने बूथ लेवल तक हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ है। और जब बूथ लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं तो हमको पता होता है कि हमने कितने वोट जनरेट किए हुए, कौन हमारा वोटर है और किसने वोट किया हमको, या कोई बाहर गया होगा, तो इतना माइक्रो डिटेल हमारे पास आज संदीप जी ने रखा हुआ है। तो उस वजह से हमको चुनाव में काम करते समय ज्यादा तकलीफ नहीं हो गई और इजीली हमने, हमको कॉन्फिडेंस था इजीली हम लोग निकल जाएंगे करके, और आपके सामने रिजल्ट है दोनों चुनाव के। अब बाकी के तरफ अगर काम अगर देखेंगे तो नवी मुंबई अभी एक अलग तरीके से डेवलप होने जा रही है, डेवलपमेंट प्लान हो गया। और मेरे ख्याल से आप पहले रिपोर्टर है कि जिन्होंने डेवलपमेंट प्लान लोगों तक पहुंचाया, और महाराष्ट्र में पहली सिटी है ये कि जहां के नागरिकों को डेवलपमेंट क्या है पता चला और हजारों की संख्या में अब उनके सजेशंस ऑब्जेक्शन आ गए। आने वाले वक्त में जो भी नवी मुंबई नवी तरीके से डेवलप होने वाली है, तो आने वाला जो भी चुनाव है वो अगले 5 साल का फाउंडेशन पीरियड माना जाएगा 20 साल के लिए। तो उस हिसाब से अध्यक्ष महोदय का अभी काम चल रहा है। और अगर आप देखेंगे 3-4 तारीख को उनका जन्मदिन सेलिब्रेट हो गया, एक उत्साहपूर्ण वातावरण था नवी मुंबई में। एक अध्यक्ष जो यंगस्टर है उसके वजह से यंगस्टर लोगों का भी क्राउड ज्यादा था, और जो सीनियर सिटीजन से जो उनके पिताजी को जानते हैं वो एक देख रहे थे कि एक बेटा किस तरीके से आगे आ रहा है करके, उसको आशीर्वाद भी दे उनको आशीर्वाद भी दे रहे थे। टकराव भी उसी हिसाब से बढ़े हैं, बेलापुर विधानसभा क्षेत्र और अरौली विधानसभा क्षेत्र के बीच में, विधायकों के बीच में टकराव देखने के लिए मिला। और जब जिलाध्यक्ष ने खुद ही ऐलान कर दिया कि अभी वो बेलापुर क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने में, ऐसे में आपकी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के विधायक के बीच में एक टकराव खुले तौर पर दिख रहा है, ये आपको कितना सही लग रहा है? अगर परफॉर्मेंस बेटर है, परफॉर्मेंस में ये भी काउंट होना चाहिए कि टकराव कम हो। देखिए, मेरा अपना मानना है, संगठन के कार्यकर्ता, मैं संगठन का काम देखता हूँ, तो मेरे लिए संगठन जितना मजबूत होगा उतना ही जो भी कैंडिडेट दिया जाएगा वो चुन के आना चाहिए, इसके लिए मैं कार्यरत रहूंगा। लेकिन जहां तक टकराव है, तो दो इनके भी 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं एज ए MLA, और अभी के जो विधायक है उनके भी 2 टर्म कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक मैच्योरिटी लेवल होनी चाहिए कि हम लोग मीडिया में क्या बात करें क्या ना करें। इच्छा तो प्रकट करना हर एक का अधिकार है, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी भी उठ के खड़ा रह सकता है कि मुझे लोकसभा लड़ना है या कोई क्या लड़ना है, ये सब बातें हो सकती है। लेकिन जो जैसे जिलाध्यक्ष का कभी कोई गलत स्टेटमेंट आपने नहीं देखेगा, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि अगर पक्ष ने निर्णय किया मेरे साथ और न्याय किया तो मैं चुनाव के लिए रेडी हूं, इसमें गलत मुझे नहीं लगता कुछ है करके। राजनीति में
हर एक की एक मनीषा रहती है। और जहां तक सवाल है कि अगले 20 साल अगर नवी मुंबई को अगर डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है तो उनकी जो सोच है, उनका जो काम करने का तरीका है, तो उसमें उन्होंने इच्छा प्रकट की। 10 साल उन्होंने भी काम किया हुआ है। 3,500 करोड़ के 2 टर्म उन्होंने स्टैंडिंग कमिटी में बजट हैंडल किए हुए, तो उनको नवी मुंबई ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगा। तो पार्टी निर्णय लेगी और जो निर्णय लेगी वो उम्मीदवार चुन के लेके आने का काम संगठन का रहेगा। उसके लिए संगठन आज के तारीख में सक्षम है। नहीं, मेरा सवाल जो था कि एक पार्टी का जिलाध्यक्ष अगर पार्टी के विधायक के साथ अगर बयानबाजी के कारण टकराव पैदा होता है तो इसका खामियाजा आपको नहीं लगता संगठन पर ही पड़ने वाला है? उपरा संगठन ये इतना मजबूत है कि किसी के बयानबाजी के वजह से संगठन के ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। और जहां तक पिछले एक साल से मैं अध्यक्ष जी के साथ कंटिन्यूस काम कर रहा हूं तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई उनके ऊपर कोई नाराजी होगी या उनका कोई, वो अपने रेस में अपना काम कर रहे हैं। और जो बयानबाजी तो सोचना चाहिए। आपको लगता है कि विधायक मंदाताई मात्रे का जो एक तरह से आक्रोश है या जो बयानबाजी है उसके कारण कुछ चीजें मनमुटाव का कारण बन रही है? अब भाई दोष तो किसी को दूंगा नहीं, हर एक का एक अपना स्वभाव होता है। अब स्वभाव को तो कोई दवा होती नहीं है, स्वभाव के लिए कोई दवा है नहीं। तो जो चल रहा है उसको किस तरीके से रास्ता निकाल के आगे चलना है ये संगठन का काम है, और संगठन सही टाइम पे अपना निर्णय आपके सामने रख देगी। अच्छा, पिछले अगर जिलाध्यक्षों से तुलना करें तो संदीप नाई का 1 साल का कार्यकाल किस तरह से आपको दिखता है? क्या अच्छा है और क्या नहीं होना चाहिए जिसमें सुधार? मैं 97 से एक्टिव हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी तो उस कार्यकाल में जो भी अध्यक्ष होके गए तो उन्होंने जो भी काम किया हुआ है वो परिस्थिति अनुरूप किया हुआ है। लेकिन मेजर जो काम है वो सत्ता आने के बाद सत्ता को लोगों तक पहुंचाने का जो काम रहता है वो बहुत, आप विपक्ष में रह गए तो गाली देना इजी होता है, लेकिन आप सत्ता में होते हैं तो शांति से सब लोगों का उत्साह लेते हुए साथ में चलना होता है, साथ ही साथ में जो नाराज है उनको भी साथ में लेके चलना होता है। उस बारे में संदीप जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा संगठन का एक कार्यकर्ता करके मुझे लग रहा है। क्योंकि उनके पास 2 प्रवाह आए हुए थे कि जिसको लेके उनको चलना था, जो जिनको कहते हैं कि पुराने और नए, इनको सबको लेके चलना था। और वो चलना ये इजी बात नहीं है, अगर आप कोई भी पार्टी में अगर देखेंगे तो इतना इजी टॉपिक नहीं होता। मनमुटाव रहते हैं कि कुछ को, जैसा मुझे महामंत्री में था 9 साल, उसके बाद मुझे उपाध्यक्ष मिला। अब लोगों ने पूछा मुझे कि आप महामंत्री से उपाध्यक्ष हो गए, मैं बोला संगठन ने मुझे एक सिखाया हुआ है कि पद ये कायम स्वरूप में नहीं रहता है, वो एक जिम्मेदारी होती है। आज आप महामंत्री हो, कल उपाध्यक्ष रहोगे, परसों कुछ भी नहीं रहोगे, तो भी संगठन और उसके विचार लोगों तक पहुंचाने का काम कार्यरत रहना चाहिए, वो मैं रहता हूँ। यही मैंने लोगों को समझाया तो लोगों को समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से काम करती है। अच्छा, अभी विधानसभा के चुनाव 2-3 महीने बाद ही आने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। बहुत सारे अंदर खाने बातें ऐसी चल रही हैं कि यहाँ के तमाम नेता जो हैं, चाहे वो मंदाताई मात्रे हों या गणेश नाइक साहब हों या संदीप नाइक जी हों, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इन्हें टिकट नहीं मिला पार्टी की तरफ से तो ये खेमा बदल सकते हैं। एक जिला उपाध्यक्ष के तौर पर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ये सवाल जो है वो स्पेकुलेशन जो है वो हाइपोथेटिकल है, क्या होगा। अभी हम लोग का मराठी में कहते हैं आत्या पहिला मिशा आस्या तो काय झालं असतं, तो इसके लिए उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल यही हम लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो बहुमत से चुन के आना चाहिए, और वो उम्मीदवार वो इस तरीके से काम करना चाहिए कि अगले 20 साल नवी मुंबई में जो बढ़ती हुई लोकसंख्या रहेगी उनको पानी मिलेगा, दो जेटियां बनी पड़ी हुई है जो उपयोग में नहीं है उनको उपयोग में लाने वाला रहेगा, जो पर्यावरण देखेगा, जो स्कूल देखेगा आने वाले वक्त के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज देखेगा। आने वाले वक्त में कम से कम 10 लाख जॉब लगने वाले, वो 10 लाख जॉब किस तरीके से क्रिएट होगी, उसके लिए आईटी इंडस्ट्री के साथ क्या मदद लेनी चाहिए, एयरपोर्ट के साथ क्या करना चाहिए, किस तरीके से राजनीति और जो पावर है उसका यूटिलाइज करना चाहिए ताकि नवी मुंबई में जो हैप्पीनेस इंडेक्स होगी वो हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छी तरीके से होगी, आरोग्य सबको मिलेगा, सुविधा सबको मिलेगी। क्योंकि आने वाले 10 साल में नवी मुंबई में सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन रहेगा, तो ये सारे सोच रखने वाला जो भी उम्मीदवार रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी को लोगों तक पहुंचाएगा, इतनी मेरी अपेक्षा है। एक आखिरी सवाल आपसे, महायुति के जो घटक दल है शिवसेना है खुले तौर पर बीजेपी के विरोध में, खासकर विधायक के विरोध में है, आपको लगता है ये टकराव जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों घटक दलों के लिए महंगा पड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी कई टकराव लेके आज बढ़ी हुई है यहाँ तक,
तो ऐसे कोई टकराव से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का एक सर्वसामान्य मेरे जैसा कार्यकर्ता भी कोई भी दिमाग में डर नहीं रखता। हम लोग कॉन्फिडेंटली हमारा काम कर रहे हैं। हमारा सारा का सारा विश्वास जो है वो वोटर के ऊपर है, और वोटर भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, वोटर देवेंद्र फडणवीस जी को चाहता है, उनके कामकाज को देख चुका है, और वोटर को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार ये सही होगा और सक्षम होगा। दोनों सीटों पर अरवली और बेलापुर विधानसभा सीटों पर क्या हम बीजेपी का कैंडिडेट देख पाएंगे, आपका ओपिनियन क्या? शत प्रतिशत। बहुत बहुत थैंक यू विजय घाटे साहब, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। आप सुन रहे थे बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय घाटे साहब को, जो एक साल का कार्यकाल जो जिलाध्यक्ष संदीप नाईक का पूरा हुआ उसके ऊपर अपनी राय दे रहे थे, और जो फ्यूचर प्लानिंग है बीजेपी की, आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे बंपर जीत हासिल हो सकती है, कैसे बीजेपी के कैंडिडेट अगर खड़े होते हैं तो किस तरह से वो जीत सकते हैं, और जो बीजेपी और सरकार का जो एजेंडा है विकास का, वो विकास का एजेंडा कैसे पूरा कर सकते हैं। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी और इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी और इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।